ये जो बैनर बना हुआ है इसे कोरल ड्रा के थ्रू बनाया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इस बैनर को कोरल ड्रा में हम कैसे बनाते हैं। कोरल ड्रा में बनाने के लिए सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। यहाँ से हम कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसके थंबनेल साइज को लेंगे। ये जो बैनर आपको दिख रहा है ये यूट्यूब का थंबनेल है और इस थंबनेल को अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोरल ड्रा के इस्तेमाल से आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कोरल ड्रा के अंदर लेकर जाते हैं और यूट्यूब का थंबनेल का क्या साइज होता है उसे हम देखते हैं। तो जनरली गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब का जो थंबनेल का आकार है वो दिया है 1280 पिक्सल गुणे 720 पिक्सल, यानी 1280 गुणे 720 पिक्सल पर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना होता है। तो यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए हम कोरल में जाएंगे, 1280 गुणे 720 पिक्सल सेट करेंगे। तो अगर आप कोरल ड्रा का कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। तो यूट्यूब के थंबनेल साइज को सेट करने के लिए यहाँ पर यूनिट सबसे पहले आपको सेट करना होगा। यूनिट आपको इंच दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्सल दिखा रहा है। अगर आपको पिक्सल में बनाना है तो पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, इंच में बनाना है तो इंच सेलेक्ट करेंगे, और अगर फिट में बनाना है तो फिट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें पिक्सल में बनाना है तो पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम वृत्त को सेट करेंगे, वृत्त हमारा है 1280, तो 1280 लिखेंगे। टैब बटन दबाएंगे, हाइट जो आपका है 720 पिक्सल का है तो 720 पिक्सल लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। एंटर दबाते हैं तो एंटर दबाते ही आपके पेज का साइज 1280 पिक्सल गुणे 720 पिक्सल में बन जाता है। अब यहाँ पर हमें रेक्टेंगल लेना है, तो रेक्टेंगल लेने के लिए रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही आपके पेज के साइज के बराबर रेक्टेंगल बन जाता है। अब यहाँ पर हम बैनर को लेते आते हैं ताकि उसे देखकर हम उस बैनर को क्रिएट करेंगे। तो बैनर हमारा यहाँ पर डाउनलोड होकर पहले से है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं अल्ट के साथ कोरल ड्रा में जाकर और इसे छोड़ते हैं तो ये कोरल ड्रा में इम्पोर्ट होकर आ जाता है। यहाँ पर इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है तो F4 दबाएंगे। F4 दबाते ही इसका साइज छोटा हो जाता है। अब यहाँ से हम इसके साइज को कॉर्नर से पकड़कर छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर साइड में हम इसको रख लेंगे। तो इस तरीके से थंबनेल हमारे कोरल ड्रा में आ गया। अब यहाँ पर हम F4 दबाते हैं। F4 दबाने से आपका पूरा मैटर फुल स्क्रीन पर आ जाता है। अब यहाँ पर इसको हमें ब्लैक करना है, तो बैकग्राउंड ब्लैक लेना है, तो हम अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद से कोरल ड्रा X3 लिखा हुआ है, तो कोरल ड्रा X3 लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट का साइज 24 आपको दिख रहा है, फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 48 साइज में लिखना है तो 48 सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे कोरल ड्रा, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं कोरल ड्रा, तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, कैपिटल में लिखा है। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद हम लिखते हैं कोरल ड्रा और शिफ्ट के साथ X3 लिखते हैं, X स्मॉल और 3। लिखने के बाद आपको पॉइंटर टूल सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको ये ग्रीन में लिखना है, तो ग्रीन में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसके साइज को पहले सेट कर लेते हैं। साइज को यहाँ कॉर्नर से पकड़कर छोटा करते हैं। इसके अलावा इसके फॉन्ट को भी आप मैच करा लेंगे कि इस टाइप का फॉन्ट आपका ये टेक्स्ट आपका लिखे। तो फॉन्ट मैच कराने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपका फॉन्ट होता है। लोड होने में कुछ टाइम लेता है, लोड होने के बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट सारा दिख रहा है। अब इसमें से हम अपने हिसाब से फॉन्ट को मैच कराएंगे। फॉन्ट को जो आपको लेना है, जिस टाइप का आपको फॉन्ट रखना है, यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन इस तरीके से दिख रहा है, तो F4 आप दबाते हैं, पेज पूरा रिफ्रेश होता है, तो पूरा मैटर आपका वापस आ जाता है। अब इसको हमें ग्रीन करना है, तो ग्रीन करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ग्रीन कलर हो गया। लेकिन जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है वो कलर ये आपका नहीं है। अगर ग्रीन कलर मैचिंग कराना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये आपका फील कलर होता है, डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कलर का देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ से आप कलर को ज़्यादा कम करके अपने आवश्यकता अनुसार कलर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलर को बनाते हैं, ये कलर हमने इस तरीके से बना लिया, लगभग ये मैचिंग आपका कलर हो गया। इसके बाद से ओके करते हैं, ओके करते ही कलर आपका जो यहाँ दिख रहा है वो कलर आपका बन गया। अब इसके बाद इसके साइज को आप छोटा करते हैं, छोटा करके इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट के साइज को हमने छोटा कर लिया। अब इसे पेज के बीच में करना है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद सी बटन दबाएंगे तो ये आपका पेज के सेंटर में चला जाता है।
तो कोरल ड्रा एक्स थ्री हमने लिख लिया। अब हमें टूल्स कंप्लीट नॉलेज लिखना है, तो टूल्स कंप्लीट नॉलेज लिखने के लिए इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके लिए इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाते हैं जिससे टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी दबाते हैं टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो जाता है। पॉइंटर टूल से इसे मूव कराकर यहाँ पर लाते हैं। अब फॉन्ट इसका सीधा है तो सीधा फॉन्ट रखने के लिए हम इसमें जाएंगे और फॉन्ट सपोज हम एरियल रख लेते हैं। फॉन्ट को हमने एरियल कर लिया। टेक्स्ट को चेंज करना है तो डबल क्लिक अगर पॉइंटर टूल से करते हैं तो आपका टेक्स्ट टूल आ जाता है। अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टूल्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टूल्स, एंटर दबाएंगे, कंप्लीट नीचे लिखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर नॉलेज नीचे लिखेंगे। तीनों हमने लिख लिया। लिखने के बाद टेक्स्ट को सेंटर करना है तो हम पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन में जाएंगे और यहाँ से सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट आपका सेंटर हो गया। अब इसके बाद इसके स्पेसिंग को कम करना है। स्पेसिंग को कम करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था शेप टूल का यूज, तो शेप टूल को लेंगे। शेप टूल को लेने के बाद इस पॉइंट को पकड़कर हम ऊपर की ओर खींचेंगे जिससे इसकी स्पेसिंग आपकी कम होगी। तो यहाँ से हम स्पेसिंग कम कर लेते हैं, जितना आपको चाहिए उतना स्पेसिंग हमने यहाँ पर कम कर लिया। तो स्पेसिंग हमने कम कर लिया। स्पेसिंग कम करने के बाद हम पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके हाइट को यहाँ से पकड़कर खींचेंगे ताकि ये टेक्स्ट जो आपका है वो थोड़ा लंबा हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको खींचकर लंबा कर लेते हैं। अब टेक्स्ट को व्हाइट लिखना है और आउटलाइन आपको ग्रीन देना है, तो आउटलाइन ग्रीन देने के लिए हम इस टेक्स्ट को मूव यहाँ करा देते हैं। यहाँ पर आपको फिल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जिससे आपका व्हाइट कलर भर जाता है। और वही अगर राइट क्लिक हम यहाँ करते हैं तो राइट क्लिक से आपका आउटलाइन चेंज होता है। आउटलाइन को मोटा करना है तो आउटलाइन मोटा करने के लिए हम F12 दबाएंगे। F12 दबाते ही आपके सामने आउटलाइन पेन कलर खुल जाता है। यहाँ से आउटलाइन जितना मोटा आपको लेना है उतना सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप टिक लगाते हैं इन दोनों पॉइंट को, बिहाइंड फिल और स्केल इमेज को टिक लगाते हैं, ओके करते हैं। ओके करते ही फिल आप देखते हैं तो यहाँ पर भर चुका है। अब ये ज्यादा हो गया तो F12 दोबारा दबाते हैं। F12 दोबारा दबाने के बाद 24 है, इसको हम कम कर लेते हैं, इसको हम 12 कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेच में 66 है तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट करने से 100 हो जाता है। इसके बाद ओके करते हैं। ओके करते ही यहाँ जो बॉर्डर दिख रहा है वैसा लमसम आपका बन गया। अगर आपको और मोटा पतला करना है तो अपने हिसाब से F12 लगाकर यहाँ पर वैल्यू लिखकर और ओके करेंगे तो आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार बॉर्डर को F12 दबाकर और मोटा पतला कर सकते हैं। इसके बाद से हम इस टेक्स्ट को अपने आवश्यकता अनुसार छोटा करके सेट करेंगे। और अगर सेम यही कलर मैचिंग कराना है तो हमने बताया यहाँ फिल कलर है, यहाँ देखिए आउटलाइन कलर है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक करते हैं तो वापस ही आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें आप अदर में जाते हैं। अदर में जाएंगे तो यहाँ पर कलर बनाने का ऑप्शन देता है, यहाँ से हम अपने आवश्यकता अनुसार कलर को बनाते हैं। जितना कलर आपको सेट करना है, जैसा कलर आपको लेना है वैसा कलर यहाँ से आप लेते हैं, उसे सेट करते हैं। सेट करने के बाद ओके करते हैं, फिर यहाँ से ओके करते हैं तो आउटलाइन का कलर वैसा ही चेंज हो जाता है। इसके बाद से इसको हम लाएंगे तो उससे पहले मेटा लिख लेते हैं, इसको हम बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर पार्ट वन लिखना है। पार्ट वन लिखने के लिए कोरल ड्रा इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे, तो टेक्स्ट हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसको हम मूव कराते हैं। इसके बाद से पॉइंटर टूल से डबल क्लिक करते हैं जिससे आपका टेक्स्ट टूल आ जाता है। कंट्रोल ए दबाने से मैटर पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। अब यहाँ पर हम कैप्स लॉक ऑन करके पार्ट वन लिखेंगे। पार्ट वन लिखने के बाद हम पॉइंटर टूल लेंगे, इसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर देंगे। तो फॉन्ट हमको एरियल लेना है तो एरियल राउंड हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट को व्हाइट करना है तो यहाँ पर यहाँ व्हाइट कर लेते हैं। व्हाइट करने के बाद इसके साइज को हम यहाँ से छोटा करते हैं। साइज छोटा करने के बाद आपको यहाँ नीचे रखना है तो इसको थोड़ा और छोटा करके हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम सेट कर देते हैं। इसके बाद से आपको फ्री फुल कोर्स लिखना है तो यहाँ आपको व्हाइट रेक्टेंगल बनाना है। उसके लिए F2 दबाएंगे और यहाँ पर हम घेरे में लेंगे, इससे यहीं का जूम आपका बढ़ जाता है। इसके बाद से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम रेक्टेंगल को यहाँ क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर फिल को व्हाइट करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आपका व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट शेप टूल हम लेंगे। शेप टूल लेने के बाद इसके कॉर्नर को राउंड करना है तो इसको पकड़ के राउंड कर लेंगे। इसके बाद से आप अपनी आवश्यकता अनुसार पॉइंटर टूल लेते हैं। पॉइंटर टूल लेने के बाद इसको हम सेट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमें मेटा लिखना है। मेटा लिखने के लिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाते हैं जिससे ये टेक्स्ट हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसके बाद से पॉइंटर टूल लेकर डबल क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट टूल आ जाता है। कंट्रोल ए करते हैं तो मेटर आपका सेलेक्ट ऑल हो जाता है। यहाँ पर हमको फ्री फुल कोर्स लिखना है तो फ्री
फुल कोर्स आप यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करते हैं, इसके कलर को आपको रेड करना है या मैरून करना है तो आप उसे यहाँ से चेंज करते हैं। तो यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करते हैं जिससे कलर आपका चेंज हो जाता है। अगर कलर आपको मैरून करना है तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ से आप कलर जो बनाना चाहें उसको आप बनाते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर कलर बनकर आपका सेट हो चुका है। अब इसको छोटा करना है तो इस पॉइंट को पकड़कर इधर की ओर खींचते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है आपका छोटा होता है। इधर से हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, इधर से अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को इस रेक्टेंगल का सेंटर लाना है तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाने के बाद इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, सी दबाते हैं तो टेक्स्ट का सेंटर आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ई दबाते हैं तो टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट आपका सेंटर होता है। बाहर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपका ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा मार्जिन दिख रहा है तो शिफ्ट दबाकर रेक्टेंगल को हम छोटा करते हैं। इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल के अंदर मैटर सेट हो चुका है। पार्ट वन आपको बड़ा दिख रहा है तो शिफ्ट दबाकर और किसी भी कॉर्नर को पकड़ के छोटा करते हैं तो टेक्स्ट आपका छोटा होता है। इसको पकड़कर नीचे मूव कराते हैं, शिफ्ट दबाकर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और सी दबाते हैं तो टेक्स्ट हमारा सेंटर चला जाता है। अब यहाँ F4 दबाते हैं, F4 दबाते ही आप देखते हैं तो ये आपका सिमिलर लगभग बन चुका है। अपने आवश्यकता अनुसार इसके साइज को भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम इस लोगो को लाएंगे। लोगो को लाने के लिए आपको जाना है नेट पर और नेट पर आप क्या करेंगे, images.google.com खोलेंगे, वहां पर आपको लिखना होता है कोरल ड्रा लोगो PNG, ये लिखकर एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही आपके सामने ये सारे लोगो आ चुके हैं। अब इसमें से जो लोगो आपको पसंद है उसको आप सेलेक्ट करके ले लें। तो हमें ये लोगो पसंद है तो इस लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लोगो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इसके साइज को भी थोड़ा हम देख लेते हैं, साइज 320x330 है तो बड़े साइज को लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका रेजोल्यूशन अगर आप देखते हैं तो 820x512 है, इसकी क्वालिटी आपकी हाई आती है। इसे हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करते हैं जिससे आपका इमेज सेव करने के लिए पूछता है। इस इमेज को आप कहीं भी सेव कर ले, तो जैसे हम पहले से फ्लैक्स के अंदर इमेज के अंदर इसको सेव कर चुके हैं, आप इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप वापस से कोरल ड्रा में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल में आपका इंपोर्ट ऑप्शन होता है, इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद से जहां आप फाइल रखे हैं उस फाइल को हम इंपोर्ट कराएंगे। आप डेस्कटॉप पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर हमने फ्लैक्स के अंदर रखा है तो फ्लैक्स में जाते हैं, इसके अंदर इमेज में रखा है इसमें जाएंगे, और इसके अंदर हमने कोरल ड्रा PNG फाइल बना रखा है तो इसको लेकर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रैग करके इसको हम खींचेंगे जितना बड़ा आपको कोरल ड्रा का सिंबल लेना है। यहाँ पर खींचते ही आपका सिंबल देखिए आ चुका है। अब इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आप इसको एरो की से दाएं बाएं जितना खिसकाना है इधर खिसकाना है खिसका लेंगे, सेट कर लेंगे। इसके बाद F4 दबाते हैं, F9 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन आपको दिखेगा। जब आपका डिजाइन कंप्लीट बन जाता है तो इसे हम JPG कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको हम एक्सपोर्ट करके JPG फाइल बनाते हैं जिसे हम YouTube वीडियो पर थंबनेल के रूप में अपलोड करते हैं। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फाइल में जाते हैं, फाइल में आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+E दबाते हैं। जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन आ जाता है। अब आपको फाइल सेव कहाँ करना है, अगर डेस्कटॉप पर करना है तो आप डेस्कटॉप पर चले जाएं, या किसी फोल्डर में सेव करना है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद हम इसके फाइल के नाम को देंगे। फाइल के नाम को आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सपोज आप TH कोरल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइप करते हैं कि TH कोरल, यानी थंबनेल कोरल का है। नीचे सेव एज टाइप में JPG आपको सेलेक्ट करना होता है, बाय डिफॉल्ट CMX यहाँ पर होता है तो इसको आप चेंज करके JPG कर लेंगे। JPG करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पर टिक लगाने के बाद आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके फाइल के साइज को यहाँ पर सेट करने के लिए पूछता है, तो यहाँ पर आपको विड्थ दे रहा है, यहाँ पर आपको हाइट दे रहा है, इसके अलावा यहाँ रेजोल्यूशन दे रहा है। रेजोल्यूशन से आपके फाइल की क्वालिटी बेहतर होती है, तो यहाँ पर आप रेजोल्यूशन आप 300 रख दें, 300 रेजोल्यूशन आप कर देते हैं। यहाँ पर आपको कलर मोड पूछ रहा है तो CMYK, अगर फ्लैक्स प्रिंट कराना होता है या पोस्टर प्रिंट कराना होता है तो CMYK पे रखते हैं, अगर आपको ऑनलाइन रखना है तो RGB पे रखते हैं, यानी मोबाइल में या ऑनलाइन थंबनेल कोई भी अपलोड करना है तो RGB करते हैं। तो हम यहाँ पर RGB सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके करते हैं।
ओके करते ही आपका कलर सेटिंग करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, ओके करते हैं। ओके करते ही ये फाइल आपका कंप्लीट एक्सपोर्ट हो चुका है और जेपीजी फाइल बन चुका है। अब हम यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद हम डेस्कटॉप पर फ्लैक्स फोल्डर को खोलेंगे। यहाँ पर आपको IMG24 फोल्डर दिखेगा, इसमें हमने एक्सपोर्ट किया है, इसको खोलते हैं। इसमें खोलने के बाद यहाँ पर देखते हैं TH Coral, यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कोरल ड्रा का थंबनेल बन चुका है और ये थंबनेल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते देखिए ये आपका थंबनेल दिख रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कोरल ड्रा में हम थंबनेल को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कोरल ड्रा में हम किसी भी थंबनेल को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल हो तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।